हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और क्वेश्चंस आरएस अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। एक्स इज इक्वल टू वॉट एंड वाई इज इक्वल टू वॉट। तो बच्चों, सॉल्व करने के तरीके आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेथड का बता दें कि किसी भी एक इक्वेशन से आपको किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। मान लिया पहली ही इक्वेशन से हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 3y अपॉन 2। आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाला है तो पुट इन सेकेंड इक्वेशन, जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स के प्लेस पे हम लिख देते हैं 12 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ओके, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। 2 यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, इट इज 36 माइनस 9y। और 2 जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 5। 9 और 4 माइनस 13y इज इक्वल टू आ जाता है 10। तो 36 इज इक्वल टू 10 प्लस 13y, y इज इक्वल टू, पहले तो ये 10 माइनस में लाएंगे, 26 बचेगा और फिर 13 अपॉन में आएगा। 13 मल्टीप्लाई में है, 13 डिवाइड में आ जाएगा। y की वैल्यू हमें मिल जाती है 2। और ये y की वैल्यू आपने जो ये सब्स्टिट्यूशन निकाला था यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x हमें मिल जाएगा। y 2 रखेंगे, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 अपॉन 2, मतलब x आ जाएगा 3। और बच्चों, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको कोई भी मेथड दिखाने की जरूरत नहीं है, आंसर्स आपके पास हैं, इन्हीं में से कोई एक आंसर है। तो सबसे आसान तरीका है ये वैल्यूज रख के देख लीजिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम एक्स 2 रख के देखते हैं, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। पहले वाली में रख के देख लेते हैं, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 6 एंड 4 10। ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक्स टू लिखा है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल आसान तरीका है आंसर फाइंड आउट का। डिस्क्रिप्टिव में मेथड दिखाने की जरूरत है, एक मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी दिया। एक्स 3 वाई 2 रख के देख लीजिए, 2 3 जा 6, वाई के लिए 2 रख देंगे, 3 2 जा 6 एंड 6 12, ठीक है, ये तो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। y2 रख के देख लीजिए आप यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन में भी रख के चेक कर लीजिए, 3 3 जा 9 माइनस 4 5। तो यहीं से आंसर से ही आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आंसर से ही आंसर फाइंड आउट करने का कोशिश करें, दैट विल बी द बेस्ट वे, ठीक है। और आपको सॉल्व करना है, चलिए मैं एक बार यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में समझा देती हूँ। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन अपॉन में x प्लस वाई है, तो हम दूसरे इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर ले, x प्लस वाई अपॉन 2, इधर भी पलट देंगे और दूसरी तरफ भी पलट देंगे, जस्ट डू द रेसिप्रोकल। तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, दूसरे में एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल कट कर देंगे वहां। तो यहाँ पे देखो, माइनस वाई और प्लस वाई, तो क्लियरली अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दोनों को ऐड कर दें, y कैंसिल हो जाएगा, 2x हमारा हो गया 12, तो x की वैल्यू आ जाती है 6। और x 6 आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, चलिए सेकंड में रखते हैं, माइनस साइन से थोड़ा सा बच के निकल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, नेगेटिव साइन से थोड़ा बच जाते हैं, x 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आ जाएगी 4। और आप आंसर से आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, x 4 और y 2, चलिए पहला ऑप्शन यहाँ रख के देखते हैं, दूसरी इक्वेशन में रख लेते हैं, x 4 y 2, 4 प्लस 2 6, 2 अपॉन x 4 रखें और y को 2 रखें, 2 अपॉन 6 हमें मिल रहा है, आना चाहिए 1 अपॉन 5, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 और 3 रखेंगे आप, 5 प्लस 3 8, 2 अपॉन 8, 1 अपॉन 4, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। x 6 y 4, एक्स सिक्स वाई फोर, सिक्स प्लस फोर 10, यस, और 6 माइनस 4 2, सी ऑप्शन करें। कोई मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर से ही पता लगा लीजिए कि कौन सा आंसर सही है।
लेट्स सी, इट्स क्वेश्चन नंबर 3। हियर टू इक्वेशंस आर गिवन और इनको सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे अपॉन 3, अपॉन 2, अपॉन 6 थोड़ा फ्रैक्शन में है, तो सॉल्व करने में थोड़ी सी ट्रबल हमें हो सकती है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स टेक एलसीएम ऑफ 3, 2, 6, दैट विल बी 6। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है इसको पूरा पूरा थोरोली 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लाइक दिस वी कैन सिंप्लीफाई इट। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा इट विल बी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी मेथड लगाना है वो मेथड आप लगा सकते हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपके पास आंसर्स अवेलेबल हैं। ये रख के फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ये रख के भी आप फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया एक्स टू और वाई थ्री रखें, तो पहली इक्वेशन से हमें मिलता है 8 माइनस 9 प्लस 1 या एग्जैक्टली इट इज 0। और दूसरी इक्वेशन में रखें 3 2 6, एक्स के प्लेस पे 2 रख दीजिए आप, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 2 और वाई के प्लेस पे 3। 3 2 6 माइनस 12, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो एक्स टू हमें पता चल गया था कि एक्स टू तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो चलिए सी ऑप्शन वाला ट्राई कर लेते हैं। एक्स के प्लेस पे 2 लिखेंगे 6 माइनस, वाई के प्लेस पे हम माइनस 3 लिख रहे हैं, 4 × -3, ये हो जाएगा 6 + 12 18, और 18 ही आना चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसका मतलब एक्स टू और वाई थ्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही करेक्ट आंसर हो गया हमारा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब ये 1/x और 1/y टाइप की इक्वेशन हो गई है, 2 × 1/y वी कैन से इज इक्वल्स टू 4, और 3 × 1/y माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 11। तो बुकिश मेथड तो ये है कि 1/x को हम कुछ मान लें और 1/y को हम लोग कुछ लेट कर लें। लेट 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी। तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएंगी, 1/x प्लेस पे ए लिखना है, तो इक्वेशन हो जाएंगी ए प्लस 2, 1/y के प्लेस पे बी लिखना है, ए प्लस 2b इज इक्वल टू 4। वैल्यू ध्यान से रखेंगे, 1/y पहले लिखा है तो 1/y मतलब बी माइनस 1/x ए इज इक्वल टू 11। अब बहुत इजीली दोनों इक्वेशन में प्लस ए और माइनस ए हमें मिल रहा है, इक्वेशन 1 और 2 को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a 2b और 3b 5b, यहाँ पे हो गया 15, तो यहाँ से b हमें मिल गया 3। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, चलिए पहली इक्वेशन में ही रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 4, ए हमें मिल गया माइनस का 2। अब हमें वापस यहीं पे पहुंचना है, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो x का हुआ, तो x हुआ हमारा 1/a है ना, 1/x a था, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/a मतलब 1/-2, और y हमारे पास हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर थोड़ा सा आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप इन इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर दीजिए, जो हमारी ये गिवन इक्वेशंस थी इनको जो का तो ऐड कर दीजिए, तो 1/x 1/x कैंसिल हो जाएगा, 2/y 3/y 2/y + 3/y इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से हमें मिल गया 5/y, यहाँ से 5 इज इक्वल्स टू 15y, तो y की हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 1/3। y की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आपको डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो वर्किंग प्रोसेस पे जाएंगे तो काफी लेंदी बैठेगा। आंसर्स हमारे पास हैं, इन्हीं में से कोई एक आंसर होना है, तो इट विल बी वेरी गुड अगर आप ये ऑप्शन ही यहाँ पे रख के देख लें, है ना। तो चलिए x1 और y1 ट्राई करते हैं, x की जगह 1 लिखेंगे और y की जगह भी 1 लिखेंगे, 2 × 1 + 1 + 2/5, 2 × 4 and 1 5 and 0.5, ये 1 आ रहा है यहाँ पे हमारा। दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं, दूसरी एक्सप्रेशन में 3 − 1 + 1/3, यहाँ से भी हमें 1 मिल रहा है, और लास्ट ऑप्शन
थ्री प्लस टू प्लस वन अपॉन सिक्स, ये भी वन आ रहे हैं। तो यहीं से पता चल गया ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन में जो वैल्यूज हैं वो तीनों एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों वन 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 आ रहे हैं हमारे। ओके, एक बार वर्किंग क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि इसको हमें करना कैसे है। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनको हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन, दिस इज थर्ड एक्सप्रेशन। तीनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है। लेट्स राइट 2x प्लस वाई अपॉन टू फर्स्ट और थर्ड। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड ले सकते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट और थर्ड को ले लिया, बाय टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। इनको सिंप्लीफाई करके आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल बी गेटिंग 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x 6y 12 इज इक्वल्स टू 15x 10y प्लस 5। एक्स को हम इस तरफ ले आते हैं क्योंकि 15 बड़ा नंबर है, तो 15 माइनस 12 3x प्लस 4y और 5 को इधर ले आएंगे इज इक्वल टू 7। ये एक सुंदर सी इक्वेशन हमें मिल गई। आपने फर्स्ट और थर्ड एक्सप्रेशन लिया था, अब आप सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो एक इक्वेशन वहां से मिल जाएगी, सेकेंड और थर्ड को करना है। तो यहाँ तो 3 से आप पहले ही कट कर दीजिए, 3 2 सा, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर आएगा, 6x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस 1। 3x माइनस में लाएंगे तो ये हो गया 3x, 2y भी माइनस में आएगा, माइनस 4y और इक्वल टू में माइनस 1 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। क्लियरली इनको हम ऐड करते हैं, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो रहा है, 3x एंड 3x 6x, 1 और 2 इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दें तो प्लस 4y एंड माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल बी गेटिंग 6x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, यहाँ से 6 बचेगा, x की वैल्यू 1 आती है। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखें, पुट इन फर्स्ट, तो 4y हमारे पास 4 आ जाता है, तो y की वैल्यू 1। सो आई होप ये ट्रिक्स एंड टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।